नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंशलि भंडारी। हरियाणा कांग्रेस में बढ़ती गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है, लेकिन अब लगता है कि पार्टी आलाकमान इसे लेकर काफी गंभीर है। और हो भी क्यों ना, लोकसभा चुनाव में मिली हार की एक सबसे बड़ी वजह यह भी रही थी। लेकिन इन सबके बीच अब हरियाणा कांग्रेस में एक बार फिर से चुनाव से पहले नेतृत्व परिवर्तन की सुगबुगाहट तेज हो गई है, और यही कारण है कि हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता 10 जनपद में हाजिरी लगाने पहुंच रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से अपनी ही पार्टी के खिलाफ सुर अलाप रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने गुरुवार को दिल्ली दरबार में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। दरअसल दिल्ली स्थित आवास पर कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बैठक बुलाई थी, जिसमें हुड्डा को तलब किया गया था। इस दौरान उनके साथ प्रदेश प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव गुलाम नबी आजाद भी मौजूद थे। करीब आधे घंटे तक चली इस बैठक में क्या फैसला लिया गया, ये बताने की जगह हुड्डा मीडिया से नजर बचाते हुए नजर आए। तो वही गुलाम नबी आजाद ने भी मीडिया से कुछ बात नहीं की, लेकिन सूत्र बताते हैं कि बैठक में विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन पर चर्चा हुई है। चर्चा है कि हरियाणा में सभी गुटों को एक साथ लाने की कोशिशें हो रही हैं। इसके तहत सभी गुटों को सक्रिय करने के लिए प्रभार भी दिए जा सकते हैं। खबर तो ये भी है कि सोनिया गांधी ने सभी गुटों को एकजुट होने के लिए कहा है, ताकि लोकसभा चुनाव जैसा हाल विधानसभा चुनाव में ना हो। हालांकि बैठक में हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चा हुई, तो वहीं शुक्रवार को हरियाणा कांग्रेस में बदलाव की सुगबुगाहट के बीच प्रदेश कांग्रेस के नेताओं में हाईकमान से मिलने की होड़ लग गई। गुरुवार को पूर्व सीएम हुड्डा ने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी, तो वहीं आज सीएलपी लीडर किरण चौधरी ने सोनिया गांधी से करीब आधे घंटे तक मुलाकात की। मुलाकात के बाद किरण चौधरी ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस में जो हालात बने हैं उस पर चर्चा हुई है, साथ ही विधानसभा चुनाव को लेकर भी बातचीत की गई है। किरण चौधरी के बयान से साफ है कि प्रदेश कांग्रेस में कोई बड़ा बदलाव अब संभव है। उसकी चर्चा करना जो है वो लाजमी है, वो चर्चा के लिए मैं गई। क्या लगता है प्रदेश अध्यक्ष बन जाएगा नया? मैंने आपको बताया प्रदेश के हालात क्या है, चुनाव के समय क्या क्या है, क्या नहीं है, चर्चाओं के ऊपर हमने पूरा का पूरा जो है चर्चा करी। हरियाणा कांग्रेस में पनपती गुटबाजी की खबरें कोई नई बात नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से मिली खबर तो है कि प्रदेश कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की मांग पर अड़े हुड्डा को इस बार फिर से निराशा ही मिली है। सोनिया गांधी ने हुड्डा से मुलाकात के दौरान उनको गुटबाजी समाप्त करने को कहा। ऐसे में साफ हो गया कि हरियाणा कांग्रेस की कमान अब अकेले भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नहीं मिलेगी। हालांकि आज सीएलपी लीडर किरण चौधरी ने सोनिया गांधी के साथ करीब आधे घंटे तक मीटिंग की, जिसके बाद ये जरूर माना जा रहा है कि हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कोई बड़े बदलाव की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।